Hello friends, and welcome to another lecture of your Political Science and International Relations Crash Course. आज का जो लेक्चर है डील करेगा विद पेपर वन पार्ट बी विच इज इंडिया एंड द वर्ल्ड से रिलेटेड इश्यूज के साथ. राइट, वेरी इंपॉर्टेंटली इन दिस लेक्चर वी विल बी डूइंग फोर क्वेश्चंस. And with this, a second round of revision will come to an end. तो हमने दो बार पूरे पूरे सिलेबस से कंसर्निंग पी वाई क्यूज दैट इज फ्रॉम पेपर वन पार्ट ए, पेपर वन पार्ट बी, पेपर टू पार्ट ए एंड पेपर टू पार्ट बी दो बार कवर कर लिए हैं. इफ यू स्टिल हैवन सीन ऑल द लेक्चर्स, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप जो हैं पी एस आई आर फ्री मेन्स प्ले लिस्ट 2022 पे जाके सारे लेक्चर्स को फटाफट देख लें, इनकी पीडीएफ्स को दोबारा देख लें ताकि इट कैन हेल्प यू इन क्विक रिविजन. वेरी इंपॉर्टेंटली आफ्टर द सेकेंड राउंड गेटिंग डन वी विल स्टार्ट विद अ थर्ड राउंड ऑफ रिविजन ऑफ द इंटायर पेपर. एंड इंस्टेड ऑफ मंडे टू थर्सडे, मंडे टू मंडे जो है अभी क्लास आएगी विद इंक्रीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ. सबसे पहला क्वेश्चन जो है इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर से कंसर्न है जो कि 2018 में आया था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लार्जर साउथ एशिया एंड द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन विल डील विद इंडिया एंड अफ्रीका रिलेशन. एंड लास्ट क्वेश्चन जो है इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप के ऊपर है. बिफोर मूविंग अहेड जस्ट टू लेट यू नो कि हमारा बैच 4 of the PSIR optional launch ho gaya hai. So if you want to be a part of this online recorded classroom batch, aap isko join kar sakte hain. Aapke paas 3 options hain, starting from 11,999 which is without evaluation, then with evaluation at 14,999 and with mentorship jahan pe aapko selected candidates of PSIR optional jo hai mentor karte hain into ensuring success in your optional papers. Next, very importantly, you can also join us for offline as well as live online batch. तो अगर आप pre-recorded lectures जो हैं आपको नहीं देखने, you want a more interactive session, तो आप हमारे offline class for PSIR का भी हिस्सा बन सकते हैं या फिर हमारी live online batch जो है उसको भी join कर सकते हैं. इनफैक्ट यू कैन अवेल 15 क्लासेस ऑफ ट्रायल, राइट, 15 डेमो क्लासेस टिल 15th ऑफ ऑगस्ट, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं. अगर आपको समझ में आ रही हैं चीजें, इफ यू लाइक द वे दैट द सब्जेक्ट इज बीइंग टॉट, द नोट्स एटसेट्रा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैच को, राइट, ऑफलाइन या फिर लाइव ऑनलाइन. वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप कभी भी हमारा ऑफलाइन बैच मिस करते हैं तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स को देख सकते हैं एज मेनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड, सो दैट जो भी आपने मिस किया है वो आप मेकअप कर लें. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ इज अ 10 मार्कर जो कहता है इंडिया इज ऑफन सेड टू हैव अ रिच स्ट्रेटेजिक कल्चर, डिस्कस. राइट, अब क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का. सबसे पहले तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रेटेजिक कल्चर, इसका मतलब क्या होता है. राइट, तो पहले इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में आप उस चीज को हाईलाइट कीजिए. देन यू हैव टू टॉक अबाउट दैट वेयर इज इट कैन वी सी दैट इंडिया हैज सोर्सेज ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर. तो आप कुछ टेक्सचुअल सोर्सेज को रिमार्क कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंसेस की बात कर सकते हैं, आप कुछ लीडरशिप एग्जाम्पल्स की बात कर सकते हैं जहाँ पे स्ट्रेटेजिक कल्चर जो है निकल के आ रहा है. राइट, तो आप इन डिफरेंट हेडर्स के अंदर स्ट्रेटेजिक कल्चर जो है दिखा सकते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंटली यू कैन कंक्लूड द आंसर बाय टॉकिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर, हाउ इट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी थ्योरी एंड हाउ इट्स बीन डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट विच इज ऑफन टेंडेड टू इग्नोर द पर्सपेक्टिव्स कमिंग फ्रॉम द ग्लोबल साउथ इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम India. So there is a need to enrich the idea of strategic culture encountered throughout the world by also incorporating all these incidents and examples coming from countries like India in the global south.
नाउ स्ट्रेटेजिक कल्चर बहुत इंपॉर्टेंटली एक थियोरेटिकल टर्म है जिसकी बात की थी जैक स्नाइडर ने. बेसिकली ये रेफर करता है लोगों की एबिलिटी को एज वेल एज एक जगह की सोसाइटी को टू जेनरेट पावर. ठीक है, ये पावर जेनरेट करके ऑब्वियसली वो अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है उनको कॉन्कर कर सकते हैं एंड बाय फर्दर इफेक्टिवली कॉन्करिंग एंड यूटिलाइजिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट और पावर को जो है जेनरेट कर पाएंगे. तो एक वर्चुअस सर्कल ऑफ पावर जो है बन जाता है एक सोसाइटी एक स्टेट के लिए डिपेंडिंग ऑन वेदर दैट स्टेट सोसाइटी एंड इट्स पीपल हैव स्ट्रेटेजिक कल्चर और नॉट. तो चलिए पावर तो जेनरेट कर लेते हैं बट कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जिनके बेसिस पे ये पावर जेनरेट हो पाती है. तो न्यूमरस फैक्टर्स होते हैं लिंकिंग टू योर हिस्ट्री योर ज्योग्राफी आपका नेशनल कल्चर कैसा है पॉलिटिक्स लीडरशिप एटसेट्रा. तो ऑल दीज वेरीड फैक्टर्स एक्ट एज इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर. अगर हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर की बात करें तो सबसे पहले तो वी कैन लुक एट एंशियंट सोर्सेज ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक कल्चर. राइट, सो यू कैन लुक एट एग्जाम्पल्स ऑफ कौटिल्यस अर्थशास्त्र. राइट, फॉर एग्जाम्पल जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंटली एक्सपेंशन ऑफ किंगडम मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट को लेके न्यूमरस जो है आपको सजेशंस दिए जाते हैं. तो इनकी पूरी जो मंडला थ्योरी है इसी की तरफ गेट थी. इनफैक्ट हेनरी किसिंजर तक ने अपनी किताब में इंडिया के इस एंशियंट स्ट्रेटेजिक कल्चर के ऊपर रिमार्क किया है. मोर रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर केम अप विद अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक कॉल्ड द इंडिया वे. इसके अंदर भी एक चैप्टर है कॉल्ड कृष्णास चॉइस विच टॉक्स अबाउट अ नंबर ऑफ एंशियंट सोर्सेज एंड टेक्स्ट जहाँ पे आपको ये स्ट्रेटेजिक कल्चर के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं. राइट, सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट महाभारत पर्टिकुलरली भगवद्गीता नॉट जस्ट इट टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ कर्म एंड धर्म बट ऑल्सो रिलेट्स द आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर टू वॉर एंड विक्ट्री. ठीक है, तो किस तरह से आपको टैक्टिकल कॉम्प्रोमाइजेस कई बार करने की जरूरत पड़ जाती है टू इंश्योर अ विक्ट्री इन अ वॉर. बैलेंस ऑफ पावर को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, डिप्लोमैटिक रिलेशंस कैसे आगे पुश कर सकते हैं, अलायंसेस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों की भी बात करता है जो आपका ये चैप्टर है महाभारत के लिंक में. देन वेरी इंपॉर्टेंटली इफ यू लुक एट मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया तो यहाँ पे अमिताभ आचार्य एंड बैरी बुजान का काम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे गिव द स्पेशल केस ऑफ जवाहरलाल नेहरू. वो बात करते हैं कि किस तरह से नेहरू जी वॉज रिकग्नाइज एज वन ऑफ द स्टॉलवर्ड्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ इंडिया एंड फर्दरिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट गिवन द काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस करता था. इनफैक्ट बिल्डिंग ऑन द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस एंड द कमिंग अप ऑफ नैम क्या इंश्योर किया नेहरूवियन इस कल्चर ने, ए डीकॉलोनाइजेशन को पुश करना जिसके कारण इंडिया को बहुत ज्यादा गुडविल मिली एंड साथ ही साथ में साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करना जिसका फायदा आज तक कंटेम्प्रेरी इंडिया जो है उठा सकता है. देन वेरी इंपॉर्टेंटली देर आर ऑल्सो न्यूमरस अदर कंटेम्प्रेरी इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंसेस जिससे हमें स्ट्रेटेजिक कल्चर देखने को मिलता है इंडिया के अंदर. डॉक्टर शिवशंकर मेनन फॉर एग्जाम्पल इन हिज चॉइसेस टॉक्स अबाउट कि किस तरह से इंडिया के अंदर जो है एक स्ट्रेटेजिक कल्चर है जो कि वो कॉन्स्टेंटली यूटिलाइज करते हैं इन मैनेजिंग देयर बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल रिलेशंस. राइट, सो फॉर एग्जाम्पल पहले ही हमने बात कर ली नेहरूवियन एरा के दौरान नॉन अलाइनमेंट की टू कीप आउट ऑफ फॉलिंग इन टू आइदर ऑफ द ब्लॉक्स. देन ट्रीटी एक साइन करना यूएसएसआर के साथ 1971 में जब रिक्वायरमेंट थी आपकी जब पाकिस्तान चाइना यूएस के एक एक्सिस बनता जा रहा था तो इंडिया ने किस तरह से उसको काउंटर किया. देन वेरी इंपॉर्टेंटली डिप्लोमेसी की पोटेंशियल चाहे वो इंटरनल चीज़ों के लिए हो. राइट, जब आपके फ्रेंच से फॉर एग्जांपल पुदुचेरी हटाना बचवाना था या हैदराबाद जो है अपने अंदर लेना था या पोर्चुगीज से गोवा लेना था या फिर इवन इन श्रीलंका एंड मालदीव्स व्हेन दे वर विटनेसिंग पॉलिटिकल क्राइसिस. राइट, सिमिलरली हम बात कर सकते हैं दैट इंडिया गोइंग न्यूक्लियर. ठीक है, इंडिया जिसे हमेशा बात की डिसआर्ममेंट की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाना बट एट द सेम टाइम रिमेनिंग अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर एंड बीइंग एक्सेप्टेड इन मोस्ट ऑफ द बिग न्यूक्लियर क्लब्स शोकेसेस द स्ट्रेटेजिक कल्चर. देन ऑल्सो वी कैन सी इट इन बैलेंसिंग चाइना. राइट, उनके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल किस तरह से हम क्वाड के तरह जो है
क्वाड को अपना रहे हैं, साथ ही में अपने खुद के इनिशिएटिव्स जो हैं शुरू कर रहे हैं, जैसे कि सागरमाला हो गया, IORA हो गया. देन वेरी इंपॉर्टेंटली, कंटेम्प्रेरी इंडिया में न्यू डेवलपमेंट इन स्ट्रेटेजिक कल्चर कैन ऑल्सो बी सीन इन द फॉर्म ऑफ न्यू डॉक्ट्रिन्स दैट आर कमिंग अप टू पुश इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट एंड सेफ गार्ड इट फ्रॉम वेरियस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल द डोवाल डॉक्ट्रीन, जो कि हमारे NSA अजीत डोवाल के ऊपर बेस्ड है. डोवाल डॉक्ट्रीन बेसिकली दिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव रिएक्शंस को कंबाइन करके अपनी वल्नरेबिलिटीज को बचा सकते हैं अगेंस्ट एन एनिमी. राइट, सो फॉर एग्जाम्पल जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स का आइडिया अपनाया टू एक्चुअली एक्सप्लॉयट पाकिस्तान एंड किस तरह से हमारे अगेंस्ट एसिमेट्रिकल वॉर करता है, कैन ऑल्सो बी सीन एज अ डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक कल्चर. In conclusion, we can talk about that throughout history, post-independence and then contemporary period, we see numerous incidents of strategic culture developing in India and constantly evolving in India. In fact, India ki jo foreign and security policies hain, constantly isse guided rehti hain. Therefore, to believe then ki India ka jo hai spiritual thought hi raha hai, spiritual culture raha hai and strategic culture nahi raha hai, will actually be एब्सोल्यूटली इनकरेक्ट. इनफैक्ट इसी के ऊपर बात करते हुए आचार्य एंड बुजान यही ऐड करते हैं दैट इट्स नॉट द लैक ऑफ इंडियाज और ग्लोबल साउथ व्यूज, बट इनफैक्ट इट्स द एथनोसेंट्रिसिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी एज वेल एज फॉरेन पॉलिसी थ्योरी, जो कि रिकग्नाइज नहीं करता है ऐसे सोर्सेज ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर एग्जिस्टिंग इन द ग्लोबल साउथ. एंड देयरफॉर foreign policy making, international relations theory needs to move away from this Eurocentricism to be more open towards views and ideas coming out of global south which are just as relevant. चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं. ये भी जो है एक 10 marker है. ये कहता है कि किस तरह से cross border terrorism impede करता है peace and security को कहाँ पे, south Asia में. Now what should be the structure of this question? सबसे पहले तो obviously आप introduce करेंगे कि आखिरकार कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म का क्या मतलब है. इनफैक्ट आप ना SD मुनि जी का एक जो फ्रेमवर्क है उसको भी यूज कर सकते हैं. वो पहले बात करते हैं कि किस तरह से टेररिज्म को लेके बहुत कम कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, कोई अग्रीमेंट नहीं है ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टेररिज्म एंड व्हाट डज नॉट. देन वेरी इंपॉर्टेंटली वो बात करते हैं दोनों ही इंटरनल एंड एक्सटर्नल इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म की बिफोर देन मूविंग अबाउट क्या प्रॉबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमने भी पहले यही बात करनी है कि टेररिज्म को लेके कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बट देर इज अ सर्टन आइडिया कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. देन हम स्पेसिफिकली बात करेंगे साउथ एशिया की, दैट व्हाट आर द एरियाज जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एग्जिस्ट करता है, कितना ज़्यादा ये प्रॉब्लमैटिक है. देन वेरियस एरियाज में इसके इम्पैक्ट की हम बात करेंगे, कल्चरल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डायमेंशन जहाँ पे ये पीस एंड स्टेबिलिटी को तंग करता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल सजेस्ट सर्टन सॉल्यूशन, सर्टन रिकमेंडेशंस जिसके थ्रू हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को टैकल कर सकते हैं बिफोर कंक्लूडिंग द आंसर. नाउ एट द वेरी बिगिनिंग एज आई हैव टॉक्ड अबाउट, टेररिज्म कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज अ कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट फॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द टर्म. मोस्ट पॉपुलरली हम इसको एज अ टूल ऑफ पोलिटिकल वायलेंस मेंटेन करते हैं, जिसके थ्रू ये सर्टन ऑब्जेक्टिव्स, मोस्ट लाइकली पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं यूजिंग फियर टैक्टिक्स. ये स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है, राइट, देयर आर वेरियस एरियाज जहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आपको देखने को मिलता है. आपको अफ्रीकन रिपब्लिक्स में ये दिखेगा, नाइजीरिया एक्सेट्रा में, नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर दिखेगा, जैसे कि अगेन हमने बात कर ली बोको हराम की, या पाकिस्तान के साथ एसोसिएटेड कुछ जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, राइट, जो कि परपेचुएट करते हैं वायलेंस को एंड ऑफन नॉट अगेंस्ट मिलिट्री और आर्म्ड फोर्सेस बट एक्चुअली ऑल्सो टारगेट इनोसेंट सिविलियन पॉपुलेशंस. ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये बेसिकली जो इसके परपेट्रेटर्स होते हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर ये जो वायलेंस है, ये जो डर है, ये जो ट्रॉमा है, इन सबको दूसरे देश में जाके जो है परपेचुएट करते हैं. नाउ इम्पॉर्टेंटली इफ वी टॉक अबाउट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया, देयर हैज ऑलवेज बीन दिस इशू एग्जिस्टिंग. तो चाहे हम बात कर ले इंडिया पाकिस्तान की,
जहाँ पे सिक्योरिटी को लेके काफ़ी कंसर्न्स रहते हैं एंड टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं कॉन्स्टेंट वायलेंस परपेचुएट करते रहते हैं। देन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे भी जो है टेररिज्म का पनपना होता है, सेपरेटिस्ट को जो है सेफ हेवन मिलते हैं, स्मगलिंग होती है, राइट। सेम इज द केस विद म्यांमार ऑल्सो। इसके साथ साथ देर इज ऑल्सो द इशू ऑफ गोल्डन क्रेसेंट, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ ड्रग्स, नारकोटिक्स एट्सेट्रा ऑल्सो थ्रू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म परपेचुएट की जाती है, राइट। साथ ही साथ में आपका ब्लैक मनी जो है, राइट, फेक करेंसी जो है, ये भी इसमें सर्कुलेट की जाती है। तो आप ये सारे पॉइंट्स भी जो हैं ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द वेरी बिग रीजंस व्हाई साउथ एशिया रिमेन्स वन ऑफ द लीस्ट इंटीग्रेटेड ज्योग्राफिकल जोन्स इज बिकॉज ऑफ दिस एग्जिस्टेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। सो द काइंड ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो कि से आसियान में है या फिर ईयू में है, साउथ एशिया में पॉसिबल नहीं हो पाए। वाई? बिकॉज ऑफ रियल सिक्योरिटी कंसर्न्स जो कि टेररिज्म से निकल के आते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस इज दैट द वेरी स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इन रिलेशन टू इंडिया ऑफन व्यू करता है अपनी सिक्योरिटी को एज अ जीरो सम गेम वेर इन इट ऑलवेज हैज टू कम एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, एंड इसके कारण उन्होंने अपनी स्टेट पॉलिसी का ही हिस्सा बना लिया है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अगेंस्ट इंडिया थ्रू न्यूमरस ग्रुप्स लाइक अलकायदा, लश्कर ए तैयबा एट्सेट्रा। इनफैक्ट इन दिस रिगार्ड आर MEA S. जयशंकर हैज राइटली पॉइंटेड आउट कि साउथ एशिया के अंदर देर विल ऑलवेज बी अ नंबर ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड डेलिबरेट ऑब्स्टिकल्स। वाई? बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। नाउ किस तरह का इम्पैक्ट होता है टेररिज्म का साउथ एशिया की पीस एंड स्टेबिलिटी पे? सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट रेजीम शुरू हो जाते हैं रीजन के अंदर, ठीक है। सो ईदर फॉर फियर ऑफ सिक्योरिटी एंड सेकेंडली समटाइम्स बिकॉज टू रिटेलिएट अगेंस्ट कंट्रीज प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, प्रोटेक्शनिज्म देखा जाता है कंट्रीज में, राइट। जो एवरेज टैरिफ की अगर हम बात करें इट इज़ क्लोज टू 35% जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड वन ऑफ द हाइएस्ट है। जो इंटर रीजनल ट्रेड है SAARC कंट्रीज की जो कि साउथ एशिया की आपकी कंट्रीज हैं, इट्स जस्ट 1% ऑफ SAARC GDP कंपेयर टू 10% ऑफ इंट्रा आसियान ट्रेड जो कि आसियान के अंदर हमें देखने को मिलती है। देन इट ऑल्सो लीड्स, अगर हम सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करें तो इट लीड्स टू अ परपेचुअल सिक्योरिटी डिलेमा, राइट। बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एसिमेट्रिकल टूल्स ऑफ वॉरफेयर आपकी इवन जो न्यूक्लियर डेटरेंस है यहाँ पे काम नहीं करती है, राइट। तो कॉन्स्टेंटली स्टेट्स हैव टू बी ऑन टोज टू प्रिवेंट सच अटैक्स। तो इंडिया की अगर हम बात कर ले, द बॉम्बे 2611 का अटैक, पठानकोट का अटैक, इन सब के कारण जो है एक बहुत ज़्यादा डीपन हो गया सिक्योरिटी डिलेमा, जिसके कारण जो है कोई भी और रीजन या स्फेयर में जो है प्रोग्रेस नहीं हो पाती रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच एवर वी वांट टू डू इट, राइट। तो एक जीरो सम गेम बन गया है कि अगर ये सिक्योरिटी डिलेमा की ओर नहीं होता है तो कल्चरल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर भी कोई भी स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंटली इट ऑल्सो एंड्स अप डेंटिंग आपकी जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है, राइट। अब ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है? इसको हम बैक चैनल डिप्लोमेसी भी कहते हैं। इस बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू इनफॉर्मल प्राइवेट सिटीजंस बॉडीज एट्सेट्रा के थ्रू जो है इंटरैक्शंस बढ़ाने की कोशिश की जाती है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया पाकिस्तान का ही एग्जांपल ले, वाजपेयी जी की विजिट के बाद जो है समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी, सीज फायर अग्रीमेंट हुआ था, गुडविल विजिट्स हुई हैं पीएम मोदी की टू नवाज शरीफ, करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है ओपन किया गया है। हाउएवर ये जितने भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी के एफर्ट्स हो जाएं इनके ऊपर भी इम्पैक्ट हो जाता है, वेर इन कई बार जो है सर्विसेज रोक दी जाती हैं, विजिट्स जो है एकदम ख़त्म हो जाती है। क्रिकेट फॉर एग्जाम्पल हैज़ कम टू ऑल टुगेदर अ स्टॉप, बाय बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो इंडिया का ये स्टैंड कि हम डीहाइफिनेट नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान इस एसिमेट्रिकल वॉरफेयर को नहीं रोकता है तो हम बाकी जगह जो है कोई प्रोग्रेस नहीं करेंगे, राइट। सो ऑल ऑफ दीज इंसिडेंट्स वर शेल्व्ड बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो पीस प्रोसेस देयरफॉर बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या बन के रह गया है? टू स्टेप्स फॉरवर्ड एंड टू स्टेप्स बैकवर्ड।
Then very importantly, this has also led to the rise of other powers. Right? So for example, China jo hai, because of the lack of unity and existence of this cross-border terrorism, to ab China ne kaafi zyada fayda utha liya hai of this insecurity dilemma jo ki South Asia ke andar exist karta hai. Similarly, India ne jo hai South Asia mein completely cede kar di hai space because security dilemma hai. So rather than cooperating and furthering the relations with its South Asian neighbors, it is looking for alternate geographies jaise ki BIMSTEC ho gaya, Quad ho gaya, Quad in West Asia ho gaya. Right? In fact, jaise ki C.R. Rajamohan jo hai point out karte hain, wo kya kehte hain? C.R. Rajamohan kehte hain ki geographies kabhi bhi static nahi hoti hain. Right? Regions jo hai and how we construct them, how we relate to them, how we interact with them depends upon our circumstances. So at one point, India had high hopes from SAARC, but when it hasn't worked because of these obstacles like cross-border terrorism, India has now, regardless of how far these countries may be, decided to integrate itself in these new groupings. Then very importantly, ye jo vacuum ab chhoot gaya hai, wo kiske through fill kiya ja raha hai? China ke through fill kiya ja raha hai, jahan pe isne apni checkbook diplomacy, debt trap jo hai, iske karan aur zyada apna footprint badha liya hai in the South Asian region. Now, after these impacts, how do we get rid of this problem? What is the way ahead? Professor S.D. Muni jo hai argue karte hain ki pehle to we have to understand that terrorism has a very broad definition. Theek hai, terrorism ke andar aapki insurgency, proxy wars, asymmetric, unequal conflicts, all of these fall under the scope of cross-border terrorism. He suggests ki sabse pehle agar we want to counter terrorism, zaruri hai hum iski is wider connotation ko samjhe and kis tarah ki violence cause karti hai. Because till the time we don't understand its broad scope and context, तब तक हम ऐसी स्ट्रैटेजीज भी नहीं बना पाएंगे जो कि इसको ढंग से एड्रेस कर पाए. देन कांति बाजपाई ऑल्सो ऑफर सर्टन सोल्यूशंस, राइट? ही ऑफर्स अ थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोच टू डील विद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म व्हेन इट कम्स टू साउथ एशिया. सबसे पहले वो बोलते हैं कि SAARC इज एन इफेक्टिव प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन कैन बी ओपन्ड टू काउंटर टेररिज्म. देन वेरी इंपॉर्टेंटली वो कहते हैं जरूरी है कि पाकिस्तान एंड चाइना का ये जो न्यू फाउंड बंधन है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया एक स्ट्रॉन्गर पावर के साथ जो है फ्रेंडशिप बनाए ताकि इवन दिस एसिमेट्रिकल वॉरफेयर कैन सीम टू हैव मैसिव रेपरकशंस व्हिच से इंडिया इज ट्राइंग टू डू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस. देन ही सेज दैट गो फॉर अ देतांत विद चाइना. सो रादर देन एक्टिवली इंगेजिंग एंड फर्दर प्रॉब्लम्स बीइंग कॉज्ड, आप एक पॉलिसी ऑफ देतांत जो है वो अप्लाई कीजिए चाइना के साथ ताकि जो हॉस्टिलिटीज हैं, जो इश्यूज हैं, उनको ईज किया जा सके. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स दैट बिकॉज ऑफ द टेरिटोरियल अग्रेशन ऑफ चाइना ऑल्सो, ये जो देतांत वाला इशू है सीम्स अ लिटिल इम्प्रॉबेबल. देन इसके अलावा शशि थरूर इन इस पैक्स इंडिका सजेस्ट करते हैं कि जरूरी है कि साउथ एशिया की कंट्रीज इफेक्टिवली यूज करें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूएन को टू काउंटर फॉर काउंटर टेररिज्म मेजर्स. साथ ही में बैक चैनल डिप्लोमेसी को कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए. लास्टली आपको बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा, अपने अंदर की जो इंटरनल सिक्योरिटी मेजर्स है उसको स्ट्रेंथन करने ही पड़ेंगे टू काउंटर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. नाउ इम्पॉर्टेंटली ये कहते हैं कि जरूरी है कि साउथ एशिया वन जो है, साउथ एशिया माइनस वन विच बेसिकली एक्सक्लूड्स पाकिस्तान, इंडिया कैन अडॉप्ट सच एन अप्रोच ऑल्सो. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान विल ओनली कम क्लोजर एंड क्लोजर टू चाइना, सीडिंग मोर स्पेस, राइट? फॉर एग्जाम्पल जो आपका चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि इंडिया के ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू जाता है, दैट इज अ मैसिव ट्रबल टू इंडिया, राइट? सो इट विल ओनली स्ट्रेंथन चाइना एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया. तो इसलिए हम ये भी इन द लॉन्ग रन नहीं कर सकते हैं. Now, it is very important that not just India, but all countries of South Asia realize that their destinies are linked together. Right? It is a situation of swimming or sinking together because of the close geographical proximity. So, isi realization ke through, they will understand that rather than terrorism, we need to address common challenges that all of our countries face today, be it less growth rate, be it unemployment, be it environmental challenges, globalization, etc. It is through that realization that even cross-border terrorism can be eventually tackled. Now, next question jo hai, baat karta hai ki suggest kijiye measures taki India ki partnership with Africa becomes a true symbol of South-South cooperation, delivering clear-cut economic and political divisions to both sides of the equation. And this was a 20 marker.
ना हाउ डू यू गो अबाउट दिस? सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप बात कीजिए इंडिया अफ्रीका रिलेशंस की, थोड़ा एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बता सकते हैं एंड देख सकते हैं कि कौन से मेन जो है मूवर्स हैं ऑफ द इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप. देन इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू इलैबोरेट ऑन द पार्टनरशिप के पास्ट में हम क्या क्या कर चुके हैं, राइट, और क्या क्या कर सकते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंटली यू हैव टू मेजर एरियाज ऑफ कंटेंशन, तभी आप सजेस्ट करेंगे मेजर्स कि किस तरह से ये पार्टनरशिप जो है इक्विटेबल बेनिफिट में भी नहीं पहुंचा रहा या कुछ चैलेंजेस है जिनके कारण ये रिलेशनशिप जो है अपनी पोटेंशियल को नहीं पहुंच पाता. देन व्हाट आर सर्टेन मेजर्स जिसके थ्रू इंडिया एंड अफ्रीका का जो रिलेशनशिप है इक्विटेबिलिटी एंड साउथ साउथ रिलेशंस के लिए एक मैसिव एग्जाम्पल बन जाए बिफोर कंक्लूडिंग दी आंसर. राइट, नाउ इंपॉर्टेंटली जरूरी है कि आप यहाँ पे जो है कोट करें स्कॉलर्स को, वेरियस पेपर्स से एग्जाम्पल्स दे. डॉक्टर सुमित रॉय जो है ये बात करते हैं कि किस तरह से इंडिया का जो परसेप्शन था अफ्रीका में इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा पांच मेन मंत्रा से फ्रेम था. वॉट वर दीज फाइव मंत्रा? सबसे पहले इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डेवलपिंग, ये दो जो जोन्स हैं इनके बीच में कोऑपरेशन. देन देर इज अ लॉट ऑफ, देर आर अ नंबर ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन अफ्रीका, उनके थ्रू डायस्पोरा डिप्लोमेसी चलाना. देन इम्पॉर्टेंटली प्रिवेंट एंड कॉम्बैट करना टेररिज्म को, जो कि सेंट्रल अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, हर जगह जो है काफ़ी ज़्यादा है. प्रिजर्व करना पीस को, इनफैक्ट इंडिया हैज़ बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द पीस कीपिंग फोर्सेज हियर. एंड साथ ही में असिस्ट एंड ट्रेन करना अफ्रीका के डिफेंस फोर्सेज को. राइट, अफ्रीका जिसको एक बार कॉन्टिनेंट ऑफ डार्कनेस बुलाया जाता था, टुडे होल्ड्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल व्हिच हैज़ बीन कम टू रियलाइज बाय ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. एंड ये बोला जाता है कि अब अफ्रीका रिप्रेजेंट करता है द 3 D's एंड 3 T's को. What are the 3 D's? Development, demography and democracy. And what are the 3 T's through which these can be further leveraged? Trade, training and technology. ठीक है, तो इसी के चलते हुए इंडिया एंड स्पेशली द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज गिवन टॉप प्रायोरिटी टू अफ्रीका इन द नोशन ऑफ व्हाट एक्सटेंडेड रीजनलिज्म. तो इंडिया की स्पेसिफिक ज्योग्राफी जो है नेबरहुड से हटके एक एक्सटेंडेड अगर रीजनलिज्म को देखें, बिकॉज इंडियन अफ्रीका के पास रिलेशंस रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेड रहे हैं, कल्चरल इंटरेक्शंस रहे हैं, तो इस एक्सटेंडेड रीजनलिज्म के अंडर जो है अफ्रीका आ जाता है. नाउ व्हाट आर द बेसिस ऑफ द इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप? Now, India has always said that India and Africa jo hai rest karte hain on the idea of developing together as equals. One of the most important foundations of this equitable partnership has been energy security. To aapka jo ONGC Videsh Limited hai, for example, Sudan mein petroleum sector mein unhone invest kiya hai, provides investment to a country like Sudan and wahin pe India ki jo energy needs hai usko bhi fulfill karne ki koshish karta hai. Saath hi mein other resource rich, oil rich countries like Nigeria and Angola ke saath bhi jo hai India ne further ki hai apni partnerships. Then cultural and education ties are again track to ke bahut important parts. IT सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडिया ने विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीका. देन इम्पॉर्टेंटली इट हैज़ आल्सो एस्टैब्लिश्ड द इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायमंड इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट टू फर्दर हेल्प डेमोग्राफी जो है अफ्रीका की, कि वो स्किल्ड, ट्रेंड, एजुकेटेड जो है यूथ निकल के आए. इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंटली अंडर दिस प्रोग्राम हर अफ्रीकन स्टूडेंट जो है स्कॉलर की तरह अराइव करता है इंडिया में. राइट, विजय गोखले कहते हैं स्टेज एज अ फ्रेंड एंड रिटर्न्स एज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट इंडिया हैज अकॉर्डेड एंड द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. राइट, इंडिया की फर्स्ट प्रायोरिटी वेरी इंपॉर्टेंटली जैसे कि मोदी जी ने बोला था इज डेवलपिंग पीपल टू पीपल रिलेशंस. सो इट शुडंट कम अक्रॉस एज अ रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस बट इन फैक्ट अ वेरी ऑल वेदर अलाय टाइप ऑफ फ्रेंडशिप जहाँ पे अफ्रीकन्स के अंदर इंडिया के लिए प्यार हो. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस सिक्योरिटी एंड डिफेंस के अंदर भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है. फॉर एग्जाम्पल ट्रेन करना मिलिट्री पर्सनल ऑफ अफ्रीका को, कंटेन करना पायरेसी ऑन द सोमालियन कोस्ट बाय प्रोवाइडिंग नेवल एंड अदर कोस्ट गार्ड सिक्योरिटी मेजर्स एंड शिप्स. देन वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया की जो 2015 नेवी स्ट्रैटेजी है, मैरिटाइम स्ट्रैटेजी है, एंड ऑस्ट्रेलियाज 2050 इंटीग्रेटेड मैरिटाइम स्ट्रैटेजी, इन एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के अंदर भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है. देन वेरी इंपॉर्टेंटली इवन अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं उन्होंने काफ़ी बेनिफिट किया है इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स के थ्रू, जो उन्होंने डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड की ड्यूरिंग साइक्लोन इदाई एट्सेट्रा.
देन डेवलपमेंटल पार्टनरशिप, अगर हम डेवलपमेंटल पार्टनरशिप ही देखें, सो अनलाइक चाइनाज चेकबुक डिप्लोमेसी, इंडिया की डेवलपमेंटल पार्टनरशिप के चार मेन पिलर्स हैं। सबसे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, राइट, लाइन्स ऑफ क्रेडिट ऑफर करना, ट्रेड बढ़ाना एंड साथ ही में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना इन अफ्रीका। इन 2012 डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर MEA ने फर्दर डेवलपमेंटल असिस्टेंस को जो है बढ़ाने की बात की थी। इनफैक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट 2018 के जो 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जो कि PM मोदी ने हाईलाइट किए थे व्हेन इट कम्स टू द इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, अकॉर्डिंग अटमोस्ट प्रायोरिटी टू अफ्रीका, अफ्रीकन्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंश्योरिंग एन इक्विटेबल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस जिसके कारण ये पार्टनरशिप जो है इफेक्ट होती है। सबसे पहले एम चक्रवर्ती आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया की जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लॉड है, राइट? क्या फ्लॉज है? वो कहते हैं दो मेन फ्लॉज हैं। सबसे पहले इंडिया के जो डेवलपमेंटल गोल्स है बहुत ही ज़्यादा वेग है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई स्पेसिफिक गोल्स नहीं है, कोई स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। सेकेंडली देर इज एन अटमोस्ट लैक ऑफ सिंक्रनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट वेरियस डेवलपमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपके लाइन ऑफ क्रेडिट किसी और एंगल पे चल रहे होते हैं, जो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग है वो किसी और एरिया में चल रही होती है, रादर देन हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इंगेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, सो दैट फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेंड लोग हैं वो आपके जो यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है यहाँ पे आके रिक्रूट भी हो जाए, जिससे लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा गुडविल जो है जेनरेट हो सकती है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली वॉट आर सर्टन मेजर्स जिसके थ्रू ये साउथ साउथ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका फर्दर इंप्रूव की जा सके। सबसे पहले तो राजीव भाटिया कहते हैं देर इज नीड फॉर मल्टीपल लेवल्स ऑफ इंगेजमेंट, ठीक है? तो अब ग्रेटर लेवल नॉट जस्ट एट ट्रैक वन बट ऑल्सो ट्रैक टू लेवल्स। देन देर इज ऑल्सो नीड फॉर क्लैरिटी ऑफ स्ट्रैटेजी वेन इट कम्स टू अफ्रीकाज डेवलपमेंट, राइट? तो आपको अपनी वेगनेस छोड़ के एक कॉन्क्रीट एजेंडा बनाना पड़ेगा, स्पेशली टू काउंटर द ह्यूज चेक्स दैट चाइना इज पासिंग ऑन टू अफ्रीका। देन वेरी इंपॉर्टेंटली देर आर ऑल्सो फर्दर एरियाज ऑफ क्लोजर कोऑपरेशन जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि प्राइमरिली इम्पैक्ट करते हैं अफ्रीकन्स को, राइट? फॉर एग्जाम्पल फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज पे अडेप्टेशन, जेंडर इक्वालिटी, जिसके थ्रू नॉट जस्ट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे बल्कि उनकी जो कैपेबिलिटीज है एंड एक्चुअल डेवलपमेंट है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगा, राइट? देन वेरी इंपॉर्टेंटली वो कहते हैं कि आपकी जो ऑनगोइंग कैपेसिटी बिल्डिंग्स है उनको आप कैरी ऑन करते रहें, फर्दर इन्वेस्ट करें ह्यूमन कैपिटल में जिसके थ्रू द फ्यूचर ऑफ अफ्रीका कैन बी ब्राइट। सी राजा मोहन इनफैक्ट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द ऑफन इग्नोर्ड एरियाज ऑफ अफ्रीका, राइट, जो उनकी ट्रांजिशनिंग इकोनॉमीज है एज वेल एज उनकी आइलैंड कंट्रीज ऑफ सेशेल्स एंड मॉरिशियस, विच शुड ऑल्सो बी फर्दर इंटेग्रेटेड इन टू इंडियाज आउटरीच पॉलिसी। देन there is also recommendation that India needs to develop closer trilateral ties with some of the most important other countries जो कि अफ्रीका में engage कर रहे हैं, जैसे कि जापान हो गई, फ्रांस हो गया, US हो गया, as well as international forums like UN Economic Commission जहाँ पर वो अपनी contribution दे सकते हैं in Africa related measures। साथ ही में cultural diplomacy, right? Cultural diplomacy has been hugely successful when it comes to Russia, West Asia, even East Asia for that matter. In fact, South Korea presents an example of the massive opportunity that cultural diplomacy offers through the use of Bollywood, digital apps, social media, web series. Iske through kis tarah se Africa ke saath jo hai further integration and diplomacy badhai ja sakti hai. आगे और सजेशंस जो है और स्कॉलर्स भी देते हैं। फॉर एग्जांपल सिद्धार्थ वरदराजन आर्ग्यू करते हैं दैट ए अपनी जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है उसको बढ़ाइए, एम्बेसीज बढ़ाइए, नंबर ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफिशियल्स जो है उनको बढ़ाइए, देन प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जो है सर्टन डूज एंड डोंट्स जो है इस्टेब्लिश कर दें, CSR जो है अपॉर्चुनिटीज इन अफ्रीका उसको भी अलाउ करें, ग्रेटर इंगेजमेंट फ्रॉम डायस्पोरा। इनफैक्ट ये चीज़ जो है टाइम एंड अगेन PM मोदी ने भी जो है इसके ऊपर बात की है, देन SPVs इस्टैब्लिश करना ताकि आपके जो प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका हैं वो फास्टर पेस पे किए जा सके एंड एनी सॉर्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन और मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड्स जो है वो हटाई जा सके। देन M सचदेव हु इज अ फॉर्मर कमिश्नर टू नाइजीरिया वो कहते हैं सबसे पहले तो आप फोकस कीजिए कॉमन चैलेंजेस पे, राइट? फॉर एग्जाम्पल रिफॉर्म ऑफ WTO, रिफॉर्म ऑफ UN, क्लाइमेट चेंज, पायरेसी जो कि दोनों इंडिया एंड अफ्रीका को इफेक्ट करती है। देन रादर देन ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली कम्पीट एंड काउंटर चाइना
आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए, बिकॉज सी इंडिया एंड चाइना हैव कंप्लीटली डिफरेंट रिसोर्सेज, कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. तो अगर आपकी चाइना ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी तो आप अपनी गेम जो है उसको भी समझ नहीं पाएंगे, राइट. तो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता फ्रीबीज देना, तो आप काम कीजिए उन चीज़ों पे जिनको आप अफोर्ड भी कर सकते हो एंड जो कि लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट्स भी निकाल के दे. इन कंक्लूजन, एज नेल्सन मंडेला हैड टॉक्ड अबाउट दैट देयर आर मेनी मोर हिल्स टू क्लाइम इन इंडिया एंड अफ्रीका एज डेवलपिंग कॉन्टिनेंट एंड कंट्री कैन एक्चुअली हैव अ नंबर ऑफ सिनर्जीज जिनके थ्रू इनकी जो डेवलपमेंट है उसमें ये इक्विटेबल पार्टनर्स बन सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि बात करता है कि इलस्ट्रेट कीजिए मेन कॉजेज ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड साथ ही में सजेस्ट कीजिए कि किस तरह से रिलेशनशिप जो है ये इम्प्रूव किया जा सकता है. ठीक है, 10 मार्कर है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि किस तरह से आप सिर्फ फोकस जो है इंसिडेंट्स एग्जाम्पल्स इवेंट्स पे तो दे ही दे, बट साथ ही साथ में इसका एक थ्योरेटिकल डायमेंशन स्कॉलरली एनालिसिस उसको ना भूले. ठीक है, कि ये आपका GS2 का IR का आंसर नहीं लगना चाहिए, PSIR का एक स्पेशलाइज्ड आंसर लगना चाहिए. सबसे पहले ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस करें इंडिया चाइना के रिलेशंस को, देन आप वेरी क्विकली यूजिंग स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन से मेन एरियाज ऑफ टेंशन है, देन व्हाट आर द वेरियस एवेन्यूज और मेजर्स विच कैन बी अडॉप्टेड टू काउंटर दीज चैलेंजेस बिफोर कंक्लूडिंग द आंसर. नाउ सबसे पहले इन इंट्रोडक्शन वी कैन टॉक अबाउट दैट इंडिया एंड चाइना जो है उनका एक बहुत ही लेयर्ड रिलेशनशिप है. इनफैक्ट PM मोदी ने ही रिमार्क किया था दैट पॉसिबली किसी और कंट्री के साथ जो है इंडिया का इतना कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड रिलेशनशिप नहीं है जितना चाइना के साथ है. अब किस तरह से हम ये लेयर्स देख सकते हैं एंड वॉट आर द इशूज, हम कहते हैं यहाँ पे 6 C's हैं जो कि डिफाइन करते हैं इंडिया एंड चाइना का रिलेशन. दीज आर कॉन्फ्लिक्ट, कोलैबोरेशन, कोएग्जिस्टेंस, कन्वर्जेंस, कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेशन. नाउ एज द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजंस, बी इट द फाइनेंशियल क्राइसिस, बी इट द ऑनस्लॉट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, बी इट द स्टार्ट ऑफ द COVID-19 पैंडमिक, बी इट इंक्रीजिंग ग्लोबल टेंशंस बिकॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ US एज अ हेजेमनी, यूक्रेन क्राइसिस, राइट एटसेट्रा, क्या हो रहा है दैट फर्दर रिलेशंस की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ती जा रही हैं, राइट. तो अगर हम बात करें कि अभी चाइना किसके साथ कंपीट कर रहा है, USA के साथ कंपीट कर रहा है, इंडिया USA के साथ अलाइन कर रहा है, देन चाइना की एक जो टेरिटोरियल बेलिजरेंस देखी जा रही है साउथ एशिया में, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक. देन इन बायलेटरल रिलेशंस पर्टिकुलरली बॉर्डर इशूज, वाटर शेयरिंग इशूज बहुत ज़्यादा इश्यूज कॉज करते हैं एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स इंक्लूडिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है चाइना को सूट करता है, ह्यूज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है चाइना की, ह्यूज डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है चाइना की. तो जगन्नाथ पांडा कहते हैं कि इन न्यूमरस डायमेंशंस के ऊपर जो है हम टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना को एनालाइज कर सकते हैं. ना 6 मेन इरिटेंट्स जो है पॉइंट आउट किए जाते हैं जेफ स्मिथ के इन हिज बुक कॉल्ड कोल्ड पीस ऑन इंडिया एंड चाइना. What are these 6 main irritants between India and China? सबसे पहले the issue of territory. ठीक है, तो border जो है obviously उसको लेके जो है काफ़ी ज़्यादा confusion है, काफ़ी ज़्यादा aggression है. China का belligerence Doklam में, Galwan में, हर जगह जो है देखने को मिलता है. Then obviously there is this huge point of Tibet, right? So Tibet की आपके जो Tibet की onslaught की थी China में, तिब्बत की जो government in exile है वो इंडिया के अंदर बेस्ड है. दलाई लामा को जो है इंडिया ने एक एक जो है एग्जाइल का मौका दिया, जिसके कारण चाइना को लगता है दैट इंडिया इज प्लेइंग अ कार्ड अगेंस्ट चाइना. देन देर इज द इशू ऑफ तवांग विच इज योर अरुणाचल प्रदेश का एरिया, जिसको आपका जो चाइना है साउथ तिब्बत क्लेम करता है. देन देर इज द इशू ऑफ थर्ड पार्टी, कभी US कभी पाकिस्तान ऑलवेज कमिंग एंड प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड कॉम्प्लिकेटिंग द सेम. Then there is the issue of trade, जो कि काफ़ी ज़्यादा tilted है towards China and threat perception that because of China's belligerence 1962 war, because of its aggressive stand, India जो है एक constant security dilemma face करता है because of China at its border and the sort of relationship that it has with Pakistan as well. In fact, the failure of Panchsheel and the 1962 war, इसके कारण कभी भी India and China किसी framework को evolve नहीं कर पाए हैं जिसके through फिर manage कर पाए relationships को और इनको increasingly cooperation के path पे लेके जा पाए rather than conflict के path पे. There were attempts with the visit of
President Xi Jinping and then Prime Minister Modi, but these could not really be endured or built upon in the longer run. Now, areas of tension ke upar hum fatafat elaborate kar lete hain. Areas of tension mein sabse traditional area of tension is your border dispute. So often hum baat karte hain ki geography kya hai, destiny hai. And agar geography destiny hai, to India and China ki geography aisi hai ki inke clashes honge hi honge. In fact, time and again dekha ja raha hai China ka aggressive stand on the border. Right? So for example, eastern sector mein China ka allegation against India and Arunachal Pradesh. Western sector mein China kis tarah se jo hai time and again incursions karta hai aapke Ladakh sector mein Aksai Chin ke upar jo wo illegally kabza karke baithe hain. Then middle sector mein Sikkim Doklam ke upar jo hai issues chal rahe the, but time and again assert kiya gaya hai that China jisne 2003 mein Indian sovereignty maan li thi dobara jo hai ye tensions unnecessarily create karte rehte hain. Then very importantly economic growth and prosperity jo hai जो कि चाइना को अब ह्यूज तरीके से आई है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग स्टेट्स टुडे, उसके बाद भी चाइना का जो है मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स आज भी ख़त्म नहीं हुआ है. ठीक है, ये मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स क्या होता है? बेसिकली कंचन गुप्ता इसकी बात करती हैं और कहती है कि मिडिल किंगडम की तरह चाइना इमेजिन करता था दैट इट वॉज द लैंड ऑफ सिविलाइजेशन सराउंडेड बाय barbarians. ठीक है, there is this constant need, constant lust for more land, more territory, जो कि खत्म नहीं हो रही है and has led to the 1962 war and further incursions. शिव शंकर मेनन जो है यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअल में टेरिटरी शायद एक रियल इशू भी नहीं है. राइट, बाउंड्री के थ्रू क्या वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं बाकी कंट्रीज को. राइट, तो इसके थ्रू वो जियो पोलिटिकल हायरार्की जो है एशिया में उसमें अपने नेबर्स को मैसेज ये पहुंचाना चाहते हैं दैट आई एम द मोस्ट डोमिनेंट, आई एम द यूनिपोलर पावर हियर. एंड साथ ही साथ में जो पैक्स अमेरिकाना है इन द वर्ल्ड उसको भी ये खत्म करना चाहते हैं. रिवर वाटर शेयरिंग के ऊपर और भी जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं. ब्रह्मपुत्र फॉर एग्जांपल इज द डोमिनेंट रिवर जो कि चाइना से बहती हुई आती है और यहाँ पे जो है चाइना टाइम एंड अगेन प्रॉब्लम्स कॉज करता है. फॉर एग्जांपल चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ नंबर ऑफ डैम्स इन सीज़मिक जोन एंड कॉजिंग डाइवर्जन ऑफ वाटर. राइट, चाइना जो है किसी भी तरह की ट्रीटी नहीं करना चाहता ब्रह्मपुत्र के ऊपर. देन वेरी इंपॉर्टेंटली चाइना का क्या आइडिया है कि बांग्लादेश अग्रीमेंट में हो, बट इंडिया का कहता है कि बांग्लादेश को आपने क्यों लाना है, पहले बायलेटरल सेटिंग तो करो विच चाइना डज नॉट अग्री विथ. चाइना ने साथ ही में ड्यूरिंग द डोकलाम इंसिडेंट विदहोल्ड किया था हाइड्रोलॉजिकल डेटा डोकलाम पीरियड के दौरान, बट बांग्लादेश के साथ शेयर किया था उन्होंने डेटा. ऑफन टाइम्स इवन द असम फ्लड जो हुआ था उसको पॉइंट आउट किया जाता है कि इन एडिक्वेट डेटा जो है वो चाइना देता था इंडिया को. Then there is the issue of trade balance. Bilateral trade in 2021 was close to $77 billion between India and China, but India ka jo trade deficit hai has increased from $1.1 billion to close to $45 billion. Saath hi mein there is the issue of onslaught of cheap goods dumping राइट इन इंडिया, जिसके कारण इंडिया के मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं. एज अ काउंटर मेजर इंडिया अटेम्प्ट कर रहा है हुआई ZTE इन सब को कंट्रोल करने के लिए एंड बैन करना चाइनीज ऐप्स को अगेंस्ट द सिक्योरिटी टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक ऑनस्लॉट ऑफ चाइना, बट इट हैजंट रियली रीप्ड एनी कॉन्क्रीट रिजल्ट्स बट हैज ओनली लेड टू इंक्रीज इन टेंशंस. देन अनदर प्रॉब्लमैटिक एरिया इज द चाइना पाकिस्तान एक्सेस. एंड्रू स्मॉल अपनी बुक में लिखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ऑफन एक्ट करता है एज अ प्रॉक्सी फॉर चाइना इंडिया को कंट्रोल करने के लिए. इनफैक्ट बीजिंग क्या कहता है, ये पाकिस्तान को सिर्फ फाइनेंशियली एंड मिलिट्रीली जो है सपोर्ट नहीं करता, बट इनफैक्ट इवन ऑन इंटरनेशनल फोरम्स पाकिस्तान इज यूज टू रिपीटेडली ब्लॉक इंडियाज actions and diplomatic measures. Right? So, for example, India में terrorists like Masood Azhar के against जो है pass करने से sanctions रोक देता है, veto कर देता है China. Similarly, Article 370 के abrogation के बाद भी China ने help किया है कि आप internationalize कीजिए कश्मीर issue को, ये India का internal matter नहीं है, ये बोल बोल के. Then China ने counter करने के लिए India's डेवलपमेंट से इन ईरान थ्रू चाबहार पोर्ट, राइट, देयर हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान. चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है वो आपकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसके थ्रू होके जाता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई करता है इंडिया का कश्मीर उसके थ्रू होके जाता है, जिसके कारण देर आर दीज इशूज दैट इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश की जा रही है चाइना द्वारा यूजिंग पाकिस्तान एज प्रॉक्सी. Now, what are the measures जिसके थ्रू हम चाइना के साथ ये जो इश्यूज़ हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं?
तो जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है वो कहते हैं जरूरी है हम चाइना की सिविलाइजेशनल मेंटालिटी एंड उनकी कल्चरल पर्टिकुलैरिटीज थी जैसे कि मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स उनको समझने की कोशिश करें। हाउएवर श्याम सरन कहते हैं कि चाइना कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है तो हमें कॉन्टेम्प्रेरी कंटेक्स्ट को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। साथ ही में राजीव सिकरी कहते हैं कि ये एक सिक्योरिटी टेरिटोरियल इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन ही नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉर भी है जो कि चाइना खेल रहा है इंडिया के अगेंस्ट विच इंडिया मस्ट नॉट लूज। जो रियलिस्ट कॉन्सेप्शन है वो कहता है कि बैलेंस ऑफ पावर आज बहुत रेलेवेंट है तो इंडिया के लिए जरूरी है ये बैलेंसिंग ऑफ पावर अप्लाई करना जो कि इंडिया शायद आज के डे एंड एज में कोशिश भी कर रहा है बाय अलाइनिंग विद यूएसए इन न्यूमरस एरियाज इंक्लूडिंग इंडो पैसिफिक जोन। राइट, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल बैलेंसिंग है। राइट, जहाँ पे चाइना क्या है वो कह रहे हैं चाइना को एक मैसिव फियर बिकॉज ऑफ द इंटरनल कंट्रोल दैट इट हैज़ ऑफ दिस वन पार्टी एक रूल जो चलता है। चाइना को एक बहुत फियर ऑफ डेमोक्रेसी है जिसके कारण इंटरनल प्रोटेस्ट हो सकते हैं। सो वन वे ऑफ काउंटरिंग चाइना इज टू बिल्ड अ वॉल ऑफ डेमोक्रेसीज जो कि वर्ल्ड ऑर्डर के रूल्स को सब्सक्राइब करें एंड सराउंड चाइना। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली यूएसए कैन ऑल्सो बी यूज टू काउंटर बैलेंस चाइना। देन वेरी इंपॉर्टेंटली रादर देन यू नो हैव एन एंटी वेस्ट आइडियोलॉजी जो कि नेहरूवियन इरा के टाइम पे होती थी, सी राजा मोहन ने पॉइंट आउट किया है कि किस तरह से ज्योग्राफीज बहुत फ्लूइड है तो आज के डे एंड एज में जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ साउथ साउथ जो है कोऑपरेशन करेंगे। इट इज ओके टू अलाइन वन सेल्फ विद इवन नॉर्दर्न ब्लॉक की कंट्रीज लाइक यूके जापान यूएसए टू अंडरस्कोर इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। देन देर इज ऑल्सो द नीड फॉर इंटरनल बैलेंसिंग राइट वेज टू एक्चुअली कम अप विद एंड इक्वेट द पावर डिफरेंशियल। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल इंडिया के डिफेंस बजट को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। एस जयशंकर रिकमेंड करते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पे वाइल हमें इनिशियली थोड़ी हार्डशिप सहनी पड़े बट ज़रूरी है कि हम अपना डेफिसिट अगेंस्ट चाइना जो है उसे कम करें एंड साथ ही साथ में हमारी खुद की डोमेस्टिक मार्केट बढ़ाएं इन APIs जो कि आपके फार्मा सेक्टर में जाते हैं एज वेल एज रेयर अर्थ मिनरल्स में। देन स्ट्रेटेजिकली जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है जो कि बेलिजरेंट चाइना के अगेंस्ट है उसको भी यूज़ करें टू बैलेंस आउट चाइना एंड मैनेज करें बॉर्डर इंकर्जन्स को बाय क्रिएटिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज डिप्लॉइंग सर्टन एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज अगेंस्ट चाइना। इन कंक्लूजन वी कैन रिमार्क दैट दोनों इंडिया एंड चाइना जो है बड़े सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं राइट जो इनके टाइम एंड अगेन जो है रिलेशनशिप रहे हैं बट एट द करंट मोमेंट दे आर इंगेज इन कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन विद ईच अदर। However, this competition isn't simple, but as the Cobweb model remarks, it is something which is defined by complex interdependence. However, despite these huge cultural, economic, civilizational ties, उसके बाद भी जो एक undercurrent of mistrust है वो दोनों countries के अंदर जो है resolve नहीं हुआ है। तो ज़रूरी है इंडिया अब अपने स्टेटस को इकोनॉमिक पावर को डिफेंस को और बोल्स्टर करने की कोशिश करे अलॉन्ग विद बिल्डिंग अलायंसेस टू इंश्योर कि इसका नेशनल इंटरेस्ट जो है किसी भी तरह से हैम्पर ना हो थ्रू चाइनीज एडवेंचरिज्म। होप यू ऑल अंडरस्टूड दीज आंसर्स। इनको अटेम्प्ट कीजिए। इनका PDF आपको हमारे PSIR के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा तो उसको डाउनलोड करके आप रिपीटेडली रिवाइज भी कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।